नहीं यार ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी इनके आगे मैं थोड़ा लाइनर नजर न लगे। आप मुझे देख रहे हैं प्रीति के चैनल पे देख रहे हैं, आज प्रीति करेंगी मेरा मेकअप और हम मेकअप कराएंगे, क्लास लगवाएंगे। क्लास की बातें है, वैसे भी जानते हो चाहे ऐसे मुझे सब ठीक ही लगता है। हाँ सही, मेरे को बहुत भी बना दो। तुम कहीं पता है प्रीति हम ज्यादा लगना नहीं दिखाते हैं, ऐसा लोग दूर से बोलते रहते हैं तुम्हें बड़ा नेक बैची है। ठीक है थोड़ा लाइनर चलेगा, चल तो आप रही है ना, मेकअप की जरूरत ही नहीं है। सही बात है, कपड़ा लेके आए कोई मतलब नहीं, दोनों पहन लो, बस पहन लेंगे, बस काम खत्म। अच्छा हम लोगों के पास चाहे जितने होंगे, ये नहीं पहनना दूसरा लेना, मेरा तो है। मैं ब्लॉग वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी आधा घंटा रहूँ तो मैं तुम्हें दिख जाऊंगी, फेसबुक पे भी दिख जाऊंगी, तुमको इंस्टा पे भी दिख जाऊंगी, क्योंकि हम सब जगह दो दो तीन तीन बना के रखे हैं। यूट्यूब पे भी दो चैनल बनाए हैं, इंस्टा पे भी दो है और फेसबुक पे तीन है। अच्छा फेसबुक पे भी मैंने नहीं देखा, वैसे थैंक यू। ए खाली है क्या, मैं ये वाला ग्लास उठाई कर रही, थैंक यू। लो दीदी, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे चाय पिलाते हैं, दे दे दे, फाइनली चाय मिल गई हुई है, फाइनली चाय पिला रहे हैं। और ये है प्रीति, हाय, बहुत अच्छी मेकअप की वीडियो शूट करती है और बहुत ज्ञान दे रहे हो तुम्हारे फोन पे आपकी तरफ से कोई भी बात नहीं दे देंगे। अरे जो मांगेंगे दे देंगे। अरे अरे ये जिनका भी है।
अब हम जो है ब्रेकफास्ट करेंगे प्रीति के साथ। सब चले गए हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब चले गए हैं। जैसे ये लोग बोले समझते हैं मतलब बड़ी जल्दी अच्छे से वाइब मैच चप्पल देख लो कि चलाए गए हैं यार। मैं पता हम लोग नाते बात कर रहे थे चीज है क्या तुम्हें बहुत मैंने सुना ऐसे कर रहा है भी कहा जैसे कोई आ रहा तो ऐसे हो रहा है ना ना भी आप अजीब सा लगता है दिमाग में बहुत अजीब सा फील हो रहा है और सब लोग जीरो से किस साइड वो कैटर समझ रहा व्यवस्था होगी और सब लोग पहुँच सकते हैं। हम आ गए हैं नीचे और आकांक्षा भी मिल रही है मेगा से। हम लोग रात में बात कर रहे थे ना और तो भाई तो मिल लीजिए भाई इनसे। हेलो बहुत प्यारी लग रही है बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच बहन। तो नजर ना लगे अरे भाई और ये नहीं हमारी सिस्टर भी आ जाइए चलो चलो खाना खाने हमारे कैमरे में नहीं आया। आकांक्षा यार कुछ आ रही हो उधर? नहीं 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 तो हमारी सृष्टि दी अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी इनके आगे में। अब यही बोलेंगी जो इनके आगे ना बड़ों बड़ों की बोलती बंद यार बोलती बोलती नहीं बंद हुई। यहाँ पे भूख इतना तेज लगी कि अब बोलती मेरी भी नहीं निकल रही है। अब मैं बिना बोले आपको जाने नहीं दूंगी। कुछ तो डायलॉग मारना ही होगा। डायलॉग बस यही मारेंगे कि पेट पूजा पहले फिर काम दूजा दूसरा चल भाग चलते हैं। ये हुई ना बात और हमारी आकांक्षा आप लोग को बोल दूंगी प्लीज आप लोग जैसे इनको सपोर्ट करो वैसे हमें भी करो। हमारे चैनल का नाम है आकांक्षा फैमिली चैनल सो प्लीज गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहो। ज्यादा बोलते बोलते ना समझ में नहीं आता क्या बोल रही हूं। हां चलो हम लोग एक रील्स बना लेते हैं तब जाते चलो चल बताए थे हम लोग कंफ्यूज हो गए थे देखो आकांक्षा हवा ले रही है कहाँ गई ये देखो प्रीति भाग आई है। मैंने दीदी को भेजा था दीदी गई थी तुमने बुला दीदी बोली वो आ रही प्रीति चलो। हाँ मैंने बुला इसलिए बस चले आए। ये देखो दीदी खा रही है ये देखो दीदी खा रही है दीदी बिजी है प्रीति नहीं बिजी है दीदी बिजी है दीदी खा रही है लेकिन बोल नहीं रही है। और ये क्या कर रही थी अभी देख लो कैमरे में रिकॉर्ड है उससे पहले क्या हो रहा था। और ये हमारे भैया दोनों खा रहे हैं बस करो जा खा लो पहले आ बैठाऊंगा बना दूंगा उसको लिखो। अरे नहीं पहले खा लो ना बंद कर दो
पे हम लोग जैसे ही जा रहे थे ना तो लिफ्ट आ रही थी। यहाँ पे एक जो ब्लू कलर की आपको दीदी दिख रही है बहुत अच्छी है, प्रिया दी के जस्ट ऊपर रहती हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करी थी। ये जो जस्ट सामने हैं बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। हम लोग जो है ना नाश्ता वगैरह करके जा रहे थे सारे लोग, और प्रिया दी नहीं की थी क्योंकि वो लास्ट में ही आई तो लिफ्ट आ ही रही थी। तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े होकर मस्ती मजाक कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरी क्या आदत है, मैं एक ग्रुप नहीं लेती हूँ कि हाँ मुझे बस इसी को लेके चलना। मैं सोचती हूँ अगर मैं कहीं गई हूँ कहीं भी, मेरे खुद के घर में फंक्शन है तो मैं सबके पास बैठूंगी, सबसे उठूंगी, सबसे बात करूंगी, मिलूंगी जुलूंगी, क्योंकि एक यही पल होता है ना कि हम सबसे मिल सकते बात कर सकते। अगर एक के ही साथ में अगर बैठ के चलूंगी इसमें लोग मुझे चाहे जो भी जज करे, चाहे लड़कू लोटा जज करे, चाहे जो करे, वो मैं नहीं समझती हूँ। इंसान की थिंकिंग होती है, सोच होती है, वो अपनी अपनी सोच है, वो मैं नहीं बदल सकती हूँ। जैसे हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। 10 बुराइयाँ होती तो 4 अच्छाइयाँ होती। जैसे मेरे अंदर सामने वाले को 10 बुराइयाँ हो सकता दिख रही हूँ, एक भी अच्छाइयाँ नहीं दिख रही हूँ, तो ऐसा होता है। और मेरी आदत ये भी है कि सामने वाला अगर मुझसे नहीं बात कर रहा तो मैं आगे से जाके बात करती हूँ, 4 बार 5 बार बात करूँगी। उसके बाद अगर वो बंदा या बंदी नहीं बोल रही तो मैं नहीं बोलूँगी, जान जाऊँगी कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। काफ़ी लोगों को मैं ऐसे भी देखी हूँ अपनी लाइफ में, वो क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते रहते हैं और कोई ऐसा पर्सन उनको दिख जाता जिनको उनको कैमरे में नहीं लेना रहता, वो बिल्कुल से इग्नोर मार देते, कैमरा बंद कर देते, यानी कैमरा बंद करो ऐसा वाला रिएक्शन करते। और वो इंसान ऐसा होता ना जीरो वाला, बट इंसान ये भूल जाता है ना कि वो जीरो से ही स्टार्ट करके आज इस पोजीशन पे पहुंचा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच को हम कुछ नहीं कर सकते। बस मेरी यही आदत है, अगर इंसान के अंदर 10 बुराइयां हैं तो मैं 2 अच्छाइयां ढूंढकर उसके साथ रहना पसंद करूंगी। कौन सा हमें किसके साथ जिंदगी बितानी है ना, हर इंसान के अंदर अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती है, तो मेरी ये आदत है बस। इधर बनाइए, ये इधर टाइम पर सब पूरा भाग गया मैं इधर, क्या इसको करो भाई, हमारी मंडली में लग रहा है कि यहाँ से नाश्ता करेंगे। अरे दीदी नाश्ता भी करना है यार, ये लोग करके उसको जा रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब धोखा दे दिया आपको, अब ऐसे ले चलो। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं और, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। चलो बता देते हैं, हम जा रहे हैं फाइनली प्रिया दी के घर से होटल, क्योंकि सामान वगैरह थोड़ा सा बाहर ऊपर वाले रख देते ना, यही ऊपर कहीं नहीं आएगा, बहुत दांत के दर्द से भरे हैं। हाँ ठीक, ये कंघी उठाओ, मेरी कंघी उठाओ भाई। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत रह लिए भाई, अब यहाँ से निकलना है हमें, है ना। तो अब हम जा रहे हैं होटल, ला हमको दो तुम उसको, हमको मन नहीं तो पर्स ले ले, ला हमको दो तुम यहाँ, अब उसको तो ले ले। तो हम लोग जा रहे हैं, प्रीति लोग सब लोग जा चुके हैं और काफ़ी इंजॉय कर लिए है ना, तो अब यहाँ से निकलना तो बनता ही बनता है। गोद ले लो मम्मी इसको, चल रही है, क्यों जा रही है बहन, क्यों जा रही है, क्या हो रही है, पार्टी के नाश्ता मिल गया, क्यों जा रहे हो भैया, सभी से जा रहे हैं क्योंकि अब पार्टी जा रहे हैं भाई, बहुत हो चुकी हमारी खातिरदारी, बहुत अच्छे से हुई, बहुत इंजॉय कर लिए सबके साथ। अब सब लोग बैठे हुए हैं, बस वेट कर रहे हैं लिफ्ट का कि कब लिफ्ट आए, कब निकले हम लोग। और यहाँ प्रियंका दी बैठी हुई, क्या हुआ दी, गर्मी अंदर नहीं पता चल रहा ना, नहीं पता चल रहा बाहर, देखने हालत पसीने से, हम लोगों का तो फाउंडेशन बह रहा है, पसीना आ रहा, हमारा फाउंडेशन बह रहा, फाउंडेशन लगा लिए थे थोड़ा सा, मेगा लगा लेते हैं, मेगा को भी लगवा देंगे, मेगा तेरा बह रहा तुम्हारा फाउंडेशन, देखो कहाँ नहीं बह रहा ना, मेगा देखो मैंने इतना लगाया नहीं, मैंने इतना सा लगाया था, उतना नहीं लगा, मैं भी लगाई लेकिन मुझे पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ना, तो मुझे भी खतरनाक ही आ रहा है, कितना लेके जितना बहुत प्रीति 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 वो पसीना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा फर्स्ट न्यूज, प्रीति को पसीना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा गर्मी।